भाई इधर हिटलर घूम रही है, बच के रहना इससे। आज इधर देखो क्या ही जादूगरी चल रही है। कढ़ाई भर के पत्ते डाले थे और देखो कहाँ गायब हो गए बाकी पत्ते, ये इकट्ठे हो गए सारे। ये तो ऐसा हो गया जब मेरा भाई नहाता है ना तो ऐसा पानी होता है। यहाँ पे फैक्ट्री अपने एकदम फुल जोशों पे चल रही है, एकदम जोश में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के, मैं हूं दिवाकर, स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग फिर से भाई सुबह सुबह तैयार हो गए हमेशा की तरह जिम जाने के लिए, लेकिन भाई आज का दिन थोड़ा अलग है। भाई सामने देख लो इतनी ज्यादा धुंध है हर जगह, जो है अभी करीब 8:15 बज रहे हैं तो धुंध थोड़ी कम हो गई। भाई जब हम उठे थे 7:30 बजे इतनी ज्यादा धुंध थी ना कुछ दिख नहीं रहा था, अभी तो भाई हल्की हल्की धुंध हो गई ना एकदम। बाकी चलो यार अब निकलते हैं जिम के लिए। चलो गाइस अब चलते हैं सीधा घर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर और भाई साथ में लेके आए आटा, क्योंकि भाई परसों दिया हुआ था। अश्न ना मुकड़ू ए मुकड़ू, यहाँ पोछा लग रहा है ओ मकड़ू जी, लगता मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे उड़ के आना पड़ेगा, इसके मजे हैं, इसको कोई मना नहीं है। हमारी माता रानी यहाँ पे पोछा लगा रही है, हम लोग यहाँ खड़े हो गए सगन लेके। अच्छा सुनो, कपड़े कुपड़े भी चेंज कर लिए, पोछा सूख गया, आ गए आराम से बैठ गए। अब भाई खाते आराम से बैठ के अंडे। भाई मैंने भी व्लॉग एडिट करने बैठ गया था, तो भाई ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग एडिट हो गया, सिर्फ इसमें म्यूजिक ऐड करना है। मतलब करीब 10-15 मिनट में व्लॉग अपना एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसको करते हैं अपलोड और बस भाई अपना आज का काम खत्म। बाकी मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है ना, तो एक काम करते हैं चलते हैं बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आके इसको कम्प्लीट करते हैं, फिर अपलोड कर देंगे आराम से। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, टोडा और साथ में गोभी की सब्जी। आराम से भाई धूप में बैठते हैं, धूप सेकते सेकते खाते हैं। मैं वहाँ बैठूंगी यहाँ बैठू, वहाँ बैठता हूँ, वहाँ ज्यादा धूप है। हमारे शुन्ना मकड़ू ने भी खाना खा लिया है, कैसे देख रहा है। हाँ मटली खाया खाना, हम खाने बैठे हमारे माता रानी देखिए कंबल शंबल सब लेके आ गई। कल मैंने अपने बैठ के कंबल सुखाए थे, आज माता रानी अपने कंबल सुखा रही है यहाँ पे। बाकी मिर्ची यहीं पे लगी है, यहीं से हम तोड़ देते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ ना, यहाँ से खाते भी रहेंगे और जब मन करेगा हाथ मार के यहाँ से तोड़ देंगे। फिर से कंप्यूटर ऑन करके बैठ गए अपना काम खत्म करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारे कुणाल भाई को देखिए, फिर से एक और पैकेट बिस्किट लेके आया भाई। आज तो भाई देखो इतना बड़ा पैकेट, वो भी क्रीम बिस्किट। क्या बात है भाई, देखो भाई दो दो बिस्किट मिल रहे हैं कुणाल भाई की तरफ से। इतना ढेर सारा पैसा आया कहाँ से तेरे पास, बैंक लूटा कोई, पर्स चोरी किया, चेंज ही नहीं, सामान मंगाया, घपला घपला। हमारी मासी जी ने इसको पैसे दिए सामान लाने के लिए और इसने घपला करके अपने लिए बिस्किट का पैकेट ले लिया। अच्छा यार पैसे बचे थे, मैं 10 साल बिस्किट ले लिया ना, कोई नहीं कोई ठीक है यार, अभी खाते आराम से। ओए भाई काम करते हैं जल्दी से पूरा। तो गाइस अभी बच रहे करीब 2:30 और अपनी वीडियो जो है भाई वो एडिट हो गई है, इसको करते हैं एक्सपोर्ट और करते हैं जल्दी से अपलोड। बाकी यहाँ पे जनता जनार्दन देखिए ये फोन लेके बैठा हुआ है, ये महारानी पता नहीं इनका भाई नया फोन आने वाला है बहुत ही जल्दी, उसके इंतजार में बस बैठेंगे कब आए कब आए। बाकी हम लोग हीटर सेकते हैं यहीं पे, ठंड आज भी है क्योंकि ये देखो भाई इधर मधुमक्खियां आराम से अपना भोजन ग्रहण कर रही हैं। अभी फूल से निकालते हैं शहद बनाने के लिए, मतलब वो मौसम आ गया इनका, अभी फूल से निकालते रहेंगे, मतलब जितने भी फूल इनको दिखेंगे ना ऐसे पता नहीं भाई फूल के अंदर से मतलब कुछ तो है ये वो निकालते हैं और फिर वो निकालने वाले शहद बनाएंगे। भाई इतनी मेहनत करने के बाद भाई जो ये शहद बनाएंगे फिर कुछ लोग आएंगे वो वहाँ से निकाल के चोरी करके ले जाएंगे, फिर बेचारे खाली के खाली। माता रानी यार हमें उड़ती उड़ती खबर आई है कि तुम चाय बना रहे हो। अभी क्या टाइम है? अभी हो रहा है टाइम करीब 3:15। पापा को बना लेते। ओके ये मेरे भाई के कारनामे में कॉफी लेके आया और ऐसे रखी हुई यहाँ पे। दोस्तों ये रहा हमारा आज का लंच, रोटी और साथ में गोभी की सब्जी। दोस्तों यहाँ गाड़ी में गेमिंग एडिट कर रहा हूँ और हमारी माता रानी हमारे लिए चाय लेके आ गई है, धन्यवाद हमारे चाय लाने के। और एक बिस्किट का खाली पैकेट भी लाई है सिर्फ दिखाने के लिए, कनाल लेके आया था भाई। हम चाय पीते हुए काम करते हैं अपना। तो गाइस अभी मैंने गेमिंग वीडियो की रिकॉर्डिंग करा था तो मैंने भाई कंप्यूटर कर दिया बंद, मेरे को ना बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटा सो लेता हूँ, उठेंगे रात को खाना खाएंगे उसके बाद दोबारा एडिटिंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मैं तो भाई आराम से 1 घंटा सो गया हूँ, अभी उठाऊ बाहर भाई एकदम अंधेरा हो गया, लेकिन भाई हमारे माता रानी और पिताश्री ना कुछ बना रहे हैं किचन में, चलते हैं भाई वहाँ पे दिखाते हैं आपको भाई क्या बना रहे हैं। गाइस यहाँ पे हमारे माता रानी हमारे पिताश्री लगे हैं काम करने में, यहाँ हमारे पिताजी शुआरे हैं वो तोड़ रहे हैं। क्या बन रहा है यहाँ पे? ये बनेगी सर्दी के सामानियाँ, सर्दी के सामानियाँ बन रहे हैं भाई। ये देखो इधर मूंगफली है वो भी भून रहे हैं, थोड़ी सी उठा लेते हैं किसी को क्या ही पता चलेगा। अब मटरू क्या हाल है? हमारा मुकुड़ी भी शुआरे हार है। माता रानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? किशमिश आ गई। यहाँ पे आ गई किशमिश, वहाँ पे हो रहे मूंगफली भून रही है, पिताश्री यहाँ पे शुआरे जो है वो तोड़ रहे हैं। आज बन क्या रहा है?
पिनिया बना रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारे चाचा ले गए थे पिनिया, जिसको हम पत्थर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं भाई हमारे घर में कैसी बनती है। उम्मीद तो भाई यहाँ पर अच्छी बनेगी, लेकिन दिखा दे आपको। फिलहाल पिनिया बनाए, उसमें मूंगफली, छुआरे वगैरह वगैरह बड़ी सारी चीजें डलेंगी। जितनी चीजें उनकी तैयारियां चल रही है, देखिए भाई ये नारियल कद्दूकस किया हुआ जो हमारे पिताश्री ने किया था, तो ये मतलब ये नारियल भी सब जाने वाला है। नारियल, किशमिश, मूंगफली, छुआरे और साथ में जो पिनिया होंगी, पिनिया कह रहा हूँ, जो साथ में तिलिया होंगी, तिली भी आएंगी, सब मिक्स होगा। और साथ में आटा कौन सा लगेगा इसमें? चावल का आटा लगेगा। चावल के आटे में ये सारी चीजें मिक्स होंगी। कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको। इसमें ना एक मेन चीज है जो हमारे पास है नहीं है, स्वाद। अलसी, अलसी होती है वो, ऐसे ऐसे बीज होते हैं जैसे तिली है ना, तिली नहीं होती है वो काले रंग की होती है अलसी, पर काली तिली होती है दिखने में ऐसी होती है ना, वो काले तिल होते हैं लेकिन वो अलसी होती है, वो जरूर डालते हैं इसमें। मतलब पहले वही वो बहुत गर्म होती है, अच्छी होती है, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छी। तो अब क्या करें, हम छोड़ दें? नहीं नहीं, इधर मिलती नहीं गाँव में, पता नहीं क्या चक्कर है। तो भाई हमारी जो मूंगफलियां हैं वो भी हमने भून ली हैं। ये प्लेट वाला ही मूंगफलियां गई, अब जाएगी तिल। ऐसा हम पड़ गोड़े तेरी तरह। इधर हमारी माता रानी ने गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने और पापा ने थोड़ी मूंगफलियां खा ली ना, फिर मम्मी बोलते अगर तुमने खानी थी तो पहले बोलते, मैं जहर रख देती। सही बात है, मैंने तो नार तोल के रखी थी कि इतनी डालनी है, अब तुम इसमें से एक एक मुट्ठी लेके दोनों खा लोगे, बचेगा क्या फिर भून। तो वही तो देखो भाई, ये दिमाग होना चाहिए ना कि अब अगर मूंगफली भून रही है तो लोग खाएंगे खाएंगे। लोग नहीं खाएंगे, तुम खाओगे। भाई यहाँ पे हमारे पिता से भी शेफ बने हुए हैं, तिल्ली को लगातार रेड़ा फेर रहे हैं ताकि जलना जाए। अच्छा अभी हमारी सामग्री हो गई तकरीबन तैयार, कोई और चीज तो नहीं बची डालने वाली जो भूल रहे हो? सौंफ डालते हैं क्या? नहीं, अपनी मर्जी डालनी हो तो डालो, डाल देते थोड़ी सी खुशबू के लिए। और बाकी यार एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो गुड़ होता है वो भी डालेगा, तो गुड़ में पिघलाएंगे। अरे पिघलाओगे उसको, तो पता ही नहीं गुड़ को। काटो काटो काटो, लोगो वहाँ पे देखो देखो, मेरे को याद दिलाना पड़ता सब कुछ। ये छुआरे हो गए, ये मूंगफली और किशमिश हो गई, और ये और बाकी हम ज्यादा और कोई ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे नहीं, बस इतना ही। थोड़ी सी ले लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। साफ नहीं करते हैं, लाओ है तो बल्ब और लाइट की निकल। देखो हमारे हिटलर मम्मी को आज तक पता नहीं इनको क्या हो गया है, किसी ना किसी बात पे हमारी बेइज्जती की जा रही है। मूंगफली और तिलिया खा रहे हैं, गुड़ को चीरा लगाते हुए। अरे मम्मी ने एक और पंच मार दिया यहाँ पे, हमारे पापा ने तिल्ली भून दी है, पूछने कहा रखो तो मम्मी कह रहे मेरे सर पे, बहुत डालो सर पे, ये लो डालो सर पे। हेलो, भी नहीं डालेंगे इसमें, गुड़ डालेंगे बस, मैं ना तिल्ली डालू मम्मी सर पे, गुड़ इसमें खिलाऊंगे ना। अभी नहीं खिलाना, गुड़ तो जल्दी नहीं कर रहा, पहले तो आटा नहीं भूनना। आओ इसी रखो, मैं अपना साग तड़की ना इसमें चक्की। अभी पिनिया बना रहे हैं, बीच में साग लगे आगे, नहीं वो साइड कर देंगे ना, दूसरी कढ़ाई लेंगे हम। हाँ तो गुड़ भी चख लेते हैं। बेचारा मैक्स भी सोच रहा है किन पागलों के घर में आ गया हूँ मैं। पागलों की मंडली इकट्ठी हो रखी है। आज वापस हमने कढ़ाई रख दी है, लेकिन ये रखी मम्मी का साग का जो तड़का है वो भी लगाने के लिए। इसमें दो चम्मच तेल डालो सिर्फ, थोड़ा सा। ये काम भी मैं ही करूँ? देखो ना गुड़ इतना बड़ा है, बड़ा बड़ा, करीब एक किलो गुड़ है ये मेरे हाथ में नहीं, ये तोड़ लिया मैं। इससे क्या होगा ना, तोड़ने से ना जल्दी पिघल जाता है। इसमें गुड़ जाएगा तेरा गुड़, इसमें थोड़ी डिगने गंडनी होती, पहले आटा भुनना, फिर वहां कड लेना, फिर गुड़ भुनना, फिर सारा कुछ मिक्स कर लेना बस, ठीक है। वो गीजर बंद करो, पता नहीं कोले लगेगा। दोस्तों हमारे हिटलर ने यहाँ पे लगा दी है कढ़ाई, और इस पे हम करेंगे जो आटा है चावल का वो भुनेंगे। गिर गया, क्या गिर गया? तो मैक्स तुम क्या कर रहे हो हमारे पैरों के बीच में घुस गए? मैक्स तो कहाँ घुस गया, ये मुकड़ू साइड। भाई अपनी जो कढ़ाई है वो भी तैयार हो गई है, कढ़ाई तो तैयार हो गई, पाना गया है कढ़ाई से आटा। ये देखो यार गाइस, ये आज हम आटा लेके आए थे सुबह सुबह, आटा ये डालना है ना, ये वाला कढ़ाई गर्म है यार, थोड़ा कट कर दे नहीं अपना साग तो बंद कर देना गाइस। नहीं 2 मिनट कढ़ाई थे छोटा सूटना बीच में साग। यहां पे देखो गाइस कुकिंग नहीं, यहां पे मजाक चल रहा है। तो हमारे पिताजी कितनी मेहनत से हवा का रेड़ा फेरते हुए कढ़ाई में, वो देखो गाय के मुंह से छीन के घास फूस निकाला मम्मी ने। सिंपल सी सब्जी, पत्ते दिख रहे हैं मेरे को सिर्फ ये। और मकड़ू क्या कर रहा है, ये देख तेरा सारा सामान निकाल दिया इसने बाहर, ये देखो मार पड़ेगी मार, वो देख ये दाल है। बड़ी बेस्ती करा दी, चल गया पीछे। मैक्स लग रहा है यहाँ कुछ घुसा हुआ है, दिबावे खींच खींच के देख रहा है अंदर कुछ है तो नहीं। मैक्स वापस आ गया है, मेरे को लग रहा है फिर से डांट पड़ेगी तभी बाहर जाएगा ये। भाई इधर हिटलर घूम रही है, बचकर रहना इससे आज। मैक्स भी देख रहा है, क्या रही है औरत पूरा
काम कर रहे हैं। लो भाई लो, खाओ खाओ, किशमिश खाओ। भाई मैक्स भी यहाँ पे किशमिश खा रहा है आराम से बैठे बैठे। अब चावल का आटा देखो कैसे चांदी की तरह चमक रहा है, जो जा रहा है इस कढ़ाई के अंदर। ये बस सूखा भुनना आटा, सिर्फ सूखा भुनना है। अगर इसमें घी वगैरह डालो ना तो ये अच्छे से नहीं भुना जाता। भाई अपना चावल का आटा आ गया कढ़ाई में, इसको भूनते हैं थोड़ी देर, और इसके बाद जो गुड़ है उसको भी पिघलाना है। हमारे यहाँ पे लांगरी साहब लगे हैं। भाई इधर देखो क्या ही जादूगरी चल रही है, कढ़ाई भर के पत्ते डाले थे, वो देखो कहाँ गायब हो गए बाकी पत्ते, इकट्ठे हो गए सारे। गठबंधन सरकार बना दी इन्होंने। भाई फाइनली अपना जो आटा है वो भी भूज गया, पुजी ये है, भुन गया है। ये देखो भाई आटे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब जो अपना आटा है वो अच्छे से भुन गया है। अब जो अपनी कढ़ाई है वो खाली होगी, इसमें डालेंगे वो गुड़। ओहो क्या बात है, जादूगर। भाई अब इस पानी के अंदर जाएगा ये सारा गुड़। हमारे पिताश्री कह रहे हैं और पानी डालना पड़ेगा, माता रानी कह रही कि नहीं जरूरत नहीं है, तो देखते भाई किसकी बात सच होती है। ये देखिए गुड़ कितनी जल्दी पिघलना है, पूरा पानी काला हो गया। ये तो ऐसा हो गया जब मेरा भाई नहाता है ना तो ऐसा पानी होता है, तब तो एकदम साफ फिल्टर पानी होता है वो। लोगों की बात लाइन लगी थी, बोला गंदा चाहिए, घर में पवित्र जल मिलता है। अभी हमारे पिताश्री जो गुड़ का पानी है उसको पिघला रहे हैं, मतलब गुड़ को पिघला रहे हैं। हमारी माता रानी अभी मुंगला लेके चढ़ गई है मूंगफलियों पे, कचुम्बर निकाल दिए मूंगफलियों का भी। अब आटा अपना ठंडा हो गया तो इसमें हम डालेंगे सारे सामग्री, और यहाँ पे हमारे पिताश्री जो गुड़ है, गुड़ का पानी है जो है पिघला हुआ, उसको पका रहे हैं। थोड़ा नारियल हमारे पिताश्री कह रहे हैं कि इसमें पानी की थोड़ी कमी है, पर हमारी माता रानी कह रही है कि कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ पे हो रहा है मिक्स पूरी सामग्री, और ये सारा पानी जाएगा इसके अंदर, या फिर ये सारी चीजें जाएंगी इसके अंदर, मिक्स होंगे दोनों। कोई ना कोई हाँ, चाशनी खुशबू आ गई पिन्नी वाली। अभी पानी थोड़ा तो भाई हमारी माता रानी कहती है कि जब भी कोई भी काम शुरू हो पापा ही हमारे छींक मार देते हैं। मिक्सिंग का काम शुरू हो गया यहाँ पे। अगर उसी को है इधर बीच पाना ना पानी है तो फिर गर्म करे, ठंडा नहीं पाना, ठंडा तो गर्म पाया मैं। थोड़ा सा पानी और डाल दिया ऊपर से, इस किनारों में गुड़ लगा था ना, तेरे पापा बोले इतना सा भी वेस्ट नहीं जाए। सही बात है, पूरा इस्तेमाल करना है इससे पहले कि ठंडा हो जाए। माता रानी लग गए काम पे एकदम अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे और बाद में पिनिया बनाना शुरू करेंगे। गर्म गर्म की बन रही है, फिर ठंडा हो गया तो जम जाएगा ये। हाँ सही बात है, अभी गर्म है ना तो ठीक है, जैसे ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा एकदम, फिर बनेगा नहीं, फिर हमको ऐसे चम्मच लेके खाना पड़ेगा। पिनिया बनाने का ठेका हमारे पिताश्री को दिया गया है, यहाँ पे ठंडा पानी जो है वो भर रहे हैं। अभी हमारी जो फैक्ट्री है वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है, तो आगे की जो कार्रवाई है हम लोग यहीं पे लॉबी में बैठ के करने वाले हैं। देखो भाई जो पिनिया होती है ना उनका सही शेप यही होता है, और आजकल लोग गोल बनाते हैं ना ये लड्डू। हाँ ये देखो ऐसे गोल भी होते हैं, ये मम्मी ने लड्डू बना दिया एक। हाँ सही बात है, छोटी छोटी पिनिया बनाता ज्यादा बनेगी। तो देखो भाई ये मेरे को नहीं लगता सब तो होगी, ये बहुत नरम हो जाएंगे यार, ये हो जाएंगे ठंडा होते हो जाएंगे ये। भाई अभी देख लो भाई, जब तक ये गर्म है ना तब तक ही पूरा काम करना है, तो लगे हुए सारे काम में। हाँ देखो देखो ये देखो, ये पापा ने बनाई है, ये मम्मी ने बनाई है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये कर लेते पूरा काम, मिलते हैं आपसे काम खत्म होने के बाद। यहाँ पे फैक्ट्री अपने एकदम फुल जोशों पे चल रही है, एकदम जोश में, प्रोडक्शन काफी अच्छी हुई है। हमारे चाचा और जम्मू ब्लॉगर स्नेहा भी आ गई है। कैसी बनी है ये पिनिया? क्या बात है, कोई नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं भी चखूंगा। हमें काम करते हैं पुरानी उठाते हैं, कोई लड्डू खाऊंगा यार ये, हमें लड्डू चखते हैं। इसे पुरानी है? नहीं नहीं, ये ठीक है, स्वाद एकदम अच्छा है। बस ठंडी होगी ना फिर जम जाएंगी, फिर पूरी पिनिया बन जाएंगी। एक बार बनाई है पलौड़ा, तो गड्डी आई थी, वो ड्राइवर आया मेरे कने, महाराष्ट्र वाला सवार, तो पांच सौ बंदे गाड़ा ले आ रहे थे, इन्हें पाई थी मी दे यार भी दिखे मैं पिनी है, मैं आखिर मेरा आए ना तो मैं आखिर ला भाई एक हज़ार लियो सर पैसा मैक्स यहाँ पे आ गया पिंजा खाने की मात्रा नहीं उठा के लेके सारी सारी अंदर ही, अभी बेचारा ढूंढ रहा है। मैक्स तेरे नहीं है ये सब मीठा, अब अगली कार्रवाई होगी इनको ठंडे होने देना है, और फिर उसके बाद इनको पैक करके रख देंगे, और फिर निकल पड़ेंगे सड़कों में टांग के गले में बेचने।
हैं कुछ ऐसी होती है दुनिया जम्मू की और एकदम हेल्दी एकदम, इसमें कुछ भी नुकसान वाली चीज नहीं है। दोस्तों हमारे खाने की तैयारी यहाँ पे हो गई है। भाई आज घर में बनी हरहर की दाल और साथ में चावल, और मुझे भाई हरहर की दाल बहुत ही पसंद है। भाई हम लोग आराम से बैठे खाना खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। दोस्तों अभी बज रहे करीब 11 और भाई अपना व्लॉग जो मैं एडिट कर रहा था, तो फिलहाल तो भाई मैंने आधा व्लॉग एडिट कर लिया, थोड़ा सा बचा है तो वो भाई मैं कल सुबह कर लूंगा। अभी भाई मुझे नींद आ रही है, मेरे लगा सोने भाई कल सुबह जल्दी उठ के जिम भी जाना है। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।